साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साई बाबा के बचपन के बारे में। जानिए एक सच्ची कहानी साई बाबा की। जैसे पर्वत में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साई। साई नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं, क्योंकि साई आज भी हमारे बीच हैं। बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वे आपके पास होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साई बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है कि वे हिंदू थे या फिर मुस्लिम। क्या वे कबीर नामक देव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं, और कुछ तो उनके दत्तात्रेय का भी अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अकलकोट महाराज के अंश हैं। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने से देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते हैं कि वे हिंदू थे या फिर मुस्लिम। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि अगर यदि वे हिंदू थे तो फिर हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें? साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सचित में लिखी गई है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। यह साईं सचरित साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 यानी कि 1910 से लिखना शुरू किया। 1918 के समाधिस्थ होने पर उनका लेखन चलता रहा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितने हैं जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं। यह देखा गया है कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिषी तथा कथिक बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं, वे उन्हें साईं पर भरोसा नहीं है। साईं बाबा का मिशन था लोगों में एकता यानी कि एकाग्रता और एकता के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्म कांड ज्योतिषी आदि से दूर रखना और उनके दुख दूर करना, साथ ही साथ समाज में भाईचारा कायम करना। साईं अपना ज्यादा से ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं, वे उन्हें हिंदू होने का तर्क भी देते हैं, जैसे कि बाबा धूनी रमाते थे। धूनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा के कान बिंधे हुए थे, कान यानी कि छेदे हुए थे। कान छेदन सिर्फ नाथपंथियों में ही होता है। साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसे विठल यानी कि कृष्ण के भजन होते थे। बाबा कहते हैं ठाकुर नाथ की डंक पूरी, विठल की पडरी, रण छोड़ की द्वारिका, यही तो है। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुमकुम लगाते थे। जहां बाबा पहली बार लोगों को दिखे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। उस समय समाधि की खुदाई की गई, तब वहां पर चार दीपक जल रहे थे। शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। साईं के बारे में जानकार मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिदवाना और भिक्षा पर ही निर्भर नहरा, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ इस एक कर्म से ही उनका नाथपंथी होना सिद्ध होता है। कुछ लोग साईं को एक मुस्लिम फकीर मानते थे। वे कहते थे कि साईं एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्हें अपना जीवन यापन किया। इसके लिए वे कुछ तर्क भी देते हैं। जैसे साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासी के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था।
शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। साईं ने ये कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक है। जी हाँ, साईं सच्चरित के अध्याय 4, 5 और 7 में इस बात का उल्लेख है कि वह जीवन भर अल्लाह मालिक है, यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू संत बनाने के लिए झूठा प्रचार किया कि वह सबका मालिक एक ही है बोलते हैं। कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था, वह एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहां और भी स्थान थे, लेकिन जिंदगी भर मस्जिद में ही वह रहे। साईं सचरित के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि वे इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म के विरोधी थे। मस्जिद से बर्तन मंगवा कर वे मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफगानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और डील डॉल यवनी ही थी। साईं सचरित अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था, जो भी लोग उनसे मिलने जाते हैं उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते हैं, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी में आग जलाते थे। उनके इस आग जलाने को लोगों ने धूनी रमाना माना। महाराष्ट्र के पादरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 में हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1888 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। ज्यादातर जगह पर लिखा है कि साईं 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए। तब वे किशोर अवस्था के थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष की थी तो इस मान से 1838 में उनका जन्म हुआ होगा। खुद को साईं का अवतार मानने वाले सत्य साईं बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के पादरी गांव में बताया है। यह सत्य साईं की बात माने तो शिरडी में साईं के आगमन के समय उनकी उम्र यानी कि 23 से 25 के बीच रही होगी। सत्य साईं बाबा का अनुमान सही लगता है, क्योंकि उनकी जीवन यात्रा का और यात्रा पर विचार करें तो उनकी इसी उम्र में शिरडी में प्रवेश होना चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराष्ट्र के परभणी जिले के पादरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था और सैल्यू में बाबा के गुरु वैकुंठ शाह रहते थे। यह हिस्सा हैदराबाद निजाम शाही का एक भाग था। भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया, तो अब इसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था, तब अर्जुन अपनी फौज लेकर यहाँ पर उपस्थित थे। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। यही पार्थ बिगड़कर पादरी हो गया। अब पादरी वे पात्री कहा जाता है। साईं के जन्म स्थान पात्री पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति भी रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घंटी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के व्यवस्थापकों के अनुसार यह साईं बाबा का जन्म स्थान है। उनके अनुसार साईं के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाव भी बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवार में जन्म के समय 3 नाम रखे जाते थे, इसलिए भीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवत राम और अनुसुईया अम्मा भी कहा जाता है। वे यजुर्वेद ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे।
साई के चले जाने के बाद उनके परिवार के लोग शायद हैदराबाद चले गए थे और फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सदगुरु साई दर्शन अनुसार साई ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। उनके पिता का नाम गंगा भाव और माता का नाम देवकी गिरी था। देवकी गिरी के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भुसारी, तीसरा हरिबाबू भुसारी, चौथा अंबादास भुसारी और 5वें बालवंत भुसारी थे। साईं बाबा गंगा भाव और देवकी के 3रे नंबर के पुत्र थे। उन्हीं का नाम था हरिबाबू भुसारी। साईं बाबा के जन्म स्थान के बाद ही भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इसी मंदिर में बाई और देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्त श्रृंगी देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास 4थी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहां पर पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषाओं में यानी कि मराठी भाषियों में नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूर पर राजाओं के राजबाड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था, वे उनके कुल देवता हैं। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना हुआ है। यहीं पास में एक कुआं है, जहां साई स्नान कर मारुति का पूजन किया करते थे। साई बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। साई बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता वेदपाठी ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में हरि बाबू यानी कि साई ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7-8 वर्ष की उम्र में साई को पादरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया, ताकि वे वहां पर कर्मकांड सीख लें और कुछ गुजर बसर हो। यहां ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था। जब साई 7-8 वर्ष के थे, तो उनके गुरुकुल के गुरु ने उनसे शास्त्रार्थ करते थे। गुरुकुल में साई को वेदों की बातें पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे। वे पुराणों की कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क द्वारा वे गुरु से इस बारे में चर्चा भी करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निराकार है, इस मत को ही मानते थे। अंत में हार कर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साई ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहां वे हनुमान पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते थे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने 4 वेद को 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। साई जिस इलाके में रहते थे, वे हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। उसकी राजशाही में मुस्लिमों का एक अधियारबंद संगठन था, जिसे राजाकार कहा जाता था। इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर कर देते। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग तरह तरह के अत्याचार करते या उन पर मनमाने टैक्स लगाते थे। साई का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार से था। उनके पास खेती योग्य भूमि भी नहीं थी, ना ही कोई रोटी रोजगार। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते, तो उनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत बढ़ जाती। उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांग कर मजदूरी कर कर 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि माता पिता को भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन वे दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़कर मेहनत करते थे। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियां था और उनकी पत्नी चांद बीवी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू उनके ही घर में अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद बी हरि बाबू को पुत्र ही मानती थी।
राजकारों का जुल्म बढ़ता जा रहा था और उनके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बनाया। उस गांव में वह अपमान का घोट पी रहे थे। एक बार गंगा भाव अपने परिवार के साथ पढ़पुर गए। भीमान नदी पढ़पुर के पास से बहती थी। गंगा भाव का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था, तभी दुर्भाग्य से नाव पलट गई और पूरा की पूरा परिवार डूब गया। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थ यात्री ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा भाव को नहीं बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से यह परिवार बचा, उसका नाम था वली फकीर। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए और देवगिरी सहित पांचों लड़कों के भोजन आदि की व्यवस्था भी की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे और वह वली फकीर देवगिरी को समझा बुझा कर हरि बाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और खुद देवगिरी अपने दो पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गई। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। 8 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी वली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी की दरगाह पर इस्लामाबाद ले गया। यहाँ वे कुछ दिन रहे, जहाँ एक सूफी फकीर आया जिसका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे और इस्लाम के प्रचारक थे। रोशन शाह को साई में रूहापीनपन नजर आया और हरी बाबू साई यानी कि उनको लेकर अजमेर आ गए। इस तरह साई वली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बन गए। अजमेर में साई बाबा सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। वहां उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देशी दवाओं की जानकारी हासिल की। कुरान को उन्होंने मुखाग्र कर लिया। सिर सुन्ना, दहीद, फक्का, शरीयत, तारीखान को भी याद कर लिया। इस्लाम की इस धार्मिक शिक्षाओं में वे पक्के हो गए। तब उनकी उम्र मात्र 12 से 13 वर्ष थी। इस दौरान साईं बाबा ने यहाँ इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना। वहीं उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी जलती दिखी। भीतर से वे पक्के वेदांती थे, तभी तो उनके दूसरे मुस्लिमों ने कई बार इस्लाम कबूल करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन हर बार उन्होंने इसको दृढ़ता से खारिज कर दिया। वे धर्म परिवर्तन के कट्टर विरोधी थे। रोशन शाह एक बार धार्मिक प्रचार के लिए इलाहाबाद गए, जहां पर हृदयघात से उनका निधन हो गया। रोशन शाह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे और वे मानवता के लिए ही कार्य किया करते थे। वे इस्लाम के प्रचार जरूरत थे, लेकिन उनके मन में किसी को जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी। रोशन शाह के जाने के बाद हरि बाबू यानी कि साई एक बार फिर से अनाथ हो गए। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय इलाहाबाद में ही थे। हरि बाबू जब इलाहाबाद में थे, बाबा तब संतों का सम्मेलन चल रहा था, हिंदुओं का पर्व चल रहा था। कोने कोने से देश से संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा था। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत संगामन और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए, जहां उस वक्त बावरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के संत ने उन्हें सरयू में स्नान कराया और उनको एक चिमटा यानी कि सटाका भेज दिया। उनको एक उपहार दिया जो कि चिमटा था। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी उनके पास रखता था। फिर नाथ संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि वे हर समय इसका धारण करके रखें। जीवन पर्याप्त बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटाका यानी कि जो चिमटा उन्होंने हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथ पंथी तो अपने डेरे चले गए, लेकिन हरि बाबू अकेले रह गए। बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुंचे, वहां से चित्रकूट और फिर बीड़।
भीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने से लोगों ने इनकार कर दिया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रखा। बाबा ने कुछ दिन वहां पर साड़ियों पर नक्काशी का काम किया और इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिसकी कीमत दुगनी हो गई। मारवाड़ी में बाबा का मेहनताना दुगना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां पर मन नहीं लग रहा था। उनको अपने गांव पादरी की याद आ रही थी। भीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा से कि उनकी माँ मिलेगी, भाई होंगे और वह उनका जन्म स्थान भी है। लेकिन वहां पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद पता चला कि वहां पर तो कोई नहीं रहता। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांदबी से मिले। चांदबी ने उनको सारा की सारा किस्सा बताया। चांद मिया को मरे बहुत दिन हो गए थे। हरी बाबू को देखकर चांदबी प्रसन्न हुई। चांदबी हरी बाबू के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने नजदीक के गांव सैलू के वैकुंशा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुंशा बाबा एक देवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे और वे दंत संप्रदाय की परंपरा पर निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रय के बाद चांदबी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों अपने पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। बाबा ने भी फकीरों जैसा वेश धारण कर रखा था। चांदबी ने मन ही मन में वैकुंशा बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एकदम जागृत आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ गए। बाबा से कुछ सवाल जवाब करने के बाद वैकुंशा उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वे बाबा के उत्तरों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरि बाबू को गले लगाकर अपना शिष्य बना लिया। वैकुंशा के दूसरे शिष्य साईं बाबा के से बैर रखते थे, लेकिन वैकुंशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरि बाबू यानी कि साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंशा सामने आ गई तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे में बांध दिया और कहा, ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान का सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किया और फिर वैकुंशा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी सर्वधन रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जन गण गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उनके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंशा ने आगे कहा कि वह मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला के आगे रखा हुआ है और वहीं पर जल रहा है। इस वार्तालाप के बाद वैकुंशा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा को चमत्कारिक रूप से अष्ट सिद्धि शक्तियां प्राप्त हो गईं और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परम हंस होने की अनुभूति हुई। इसके बाद वैकुंशा ने देह छोड़ दिया। वैकुंशा के जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, यानी उस वक्त उनकी उम्र 22 से 23 वर्ष रही होगी। वैकुंशा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए, फिर वे वैकुंशा में के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए।
नीम के पेड़ के नीचे उनके आसपास एक चबूतरा बना था, जहां बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफी अन्न दिया, उसे ग्रहण करके बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे श्वान को खिलाते गए और पुनः नीम के झाड़ के पास आकर बैठ गए। उनका प्रतिदिन का यही नियम बन गया, नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों ने उत्साहवंश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे क्यों रहते हैं? इस पर बाबा ने कहा, यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहां उन्हें एक शिला नजर आई। शिला को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां चार दीपक जल रहे थे। उस दरवाजे का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले में से ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा कि इसे पुनः बंद कर दे। श्यामा तथा शिरनी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मार्ग मानकर सदैव नमन किया करते हैं। प्रमुख ग्रामीणों में और श्यामा बाबा के अनुयायी बन गए। वायजा माई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते थे तो वे खुद नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुस्लिम के बीच इसको लेकर चर्चा होती रही कि बाबा हिंदू हैं या फिर मुस्लिम। 3 महीने तक बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरनी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। 3 माह बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा के यहाँ गए तो उन्होंने उनका या साई आओ साई कहकर स्वागत किया। तब से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम किया करते थे। आज लोग उनका अर्थ यूं निकालते हैं, साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाव होता है। म्यालसापति को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। महालसापति और श्यामा को साईं बाबा से अटूट प्यार था और विश्वास था। वे उनके चमत्कार और संतत्व को जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरनी में आगमन हुआ, लेकिन शिरनी के लोगों का कहना है कि 1856 और 1858 में साईं बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए थे। बाबा शिरनी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने ध्यान तप किया। यहां बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शेष गांव जा पहुंचे, जहां वे गजानन महाराज से मिले। वहां कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे बिडर पहुंचे। वहां से फिर वे हसनाबाद गए, जिसे पहले मणिक्यापुर कहा जाता था। मणिक प्रभु के क्षेत्र में महान संत थे। मणिक प्रभु के पास बाबा पहुंचे तो मणिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। मणिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था, जिसे आज तक कोई किसी भी वस्तु से भर नहीं सकता। इतने ही सिक्के डालो, मग खाली का खाली रहता। बाबा ने कुछ खजूर और फूल उसमें डालकर उसको भर दिया।
फिर बाबा वहां से बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुंच गए। यह दत्त अवतार नरसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यहीं पर कृष्णा नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेव नामक सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही मराठी में गुरु चरित्र लिखा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। लोग कहते हैं वैसे कि साई के नाम से उनको पुकारते थे, क्योंकि उनकी दी गई जड़ी बूटियां व भूवूति से लोग भले चंगे हो जाते थे, जिसके बदले वे किसी से भी कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे उनको चमत्कार के चलते लोगों ने उनको अन्न आदि सुख सुविधाओं की पूर्ति करा दी। अब बाबा यहाँ लोगों को खुद अपने हाथों से भोजन कराने लगे। वे खुद चक्की चलाकर आटा निकालते थे और कड़ाव में दाल भात बनाते थे। धीरे धीरे उनके सतत की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और उनसे मिलने लोग दूर दूर से आने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई साईं बाबा के बचपन की कहानी और उन्होंने किस तरह से कैसे कैसे कहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में रहकर ज्ञान प्राप्त किया और अंत में वो साईं बाबा के नाम से कहलाए गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।